आज सबसे पहले चर्चा हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की, उस मानसिकता की, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि स्वतंत्रता, समता और आपसी भाईचारा, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, वो बुनियादी गुण हैं जिनके बिना आप एक न्यायप्रिय समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय की बात साफ कही गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आपसी बंधुता यानी कि भाईचारा बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन आए दिन देश के अलग अलग इलाकों से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि संविधान के ये जो मूल उद्देश्य हैं, अभी तक हमारे समाज में पूरी तरीके से उतर नहीं पाए। समाज का एक बड़ा वर्ग तो शायद आज भी अपनी कथित जातीय श्रेष्ठता के दंभ भरता है और उससे उभर नहीं पाए। मध्य प्रदेश के सागर की ताजा घटना। सागर के बरोदिया नौनागीर गांव 24 अगस्त को अनुसूचित जाति के 18 साल के एक युवक नितिन अहिरवार को गांव के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। बेटे को बचाने आई मां की बुरी तरीके से पिटाई की गई। कथित तौर पर उनके कपड़े तक उतार दिए गए। यह सब सिर्फ इसलिए कि इस दलित युवक की बहन ने छेड़छाड़ के आरोपियों के खिलाफ 4 साल पहले केस दर्ज कराए थे, केस को वापस लेने से इनकार कर दिया था। 2019 में इन आरोपियों ने नितिन अहिरवार की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, उनके खिलाफ FIR हुई, वो जेल गए, जमानत पर बाहर निकले तो केस वापस लेने का दबाव बनता रहा। परिवार ने इससे इनकार कर दिया तो आरोपियों ने मां बेटे के साथ यह हैवानियत भरा सलूक किया। और सोचिए, ये सब 2023 में हो रहा है। इतके हमारे कपड़ा उतार दे सब, फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नजर पड़ी तो फिर बेटा वाले आए। परसों के दिन 2 बजे आते पुलिस आई तो गेट खोले, गेट के बाहर आई खड़े थे 2 पुलिस वाले। हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना में ले जा रहे आप, तो कहने लगे कुछ नहीं, कई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को ही हम लाडू सब्जी ले लेगा, सब्जी ले लेगा तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। इस फिर हमने खूब बचाव नहीं बच पाए, हमें मार बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो इस मामले में आरोप गांव की सरपंच के पति और उसके रिश्तेदारों पर लगा है। ये आरोपी सिर्फ मारपीट पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीड़ितों के घर में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया। इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग को लेकर पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गया। पीड़ित परिवार आरोपी का घर ढहाने की भी मांग करने लगा, लेकिन प्रशासन के काफी मनाने के और सख्त कार्रवाई को आश्वासन जो उन्होंने दिया है उसको देने के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार। इसके बाद राज्य में विपक्षी कांग्रेस की एक टीम गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और घटना के लिए राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार को जिम्मेदार बताया। उधर राज्य सरकार का कहना है कि कांग्रेस मामले में राजनीति कर रही है। सरकार की दलील है कि यह मामला जातिगत रंजिश का नहीं बल्कि पारिवारिक रंजिश का है। भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। उनको गरीब अनुसूचित जाति की महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार होता है तो उनको राजनीति दिखती है, कार्रवाई न करके इससे सिद्ध होता है कि उनका संरक्षण में भाजपा के संरक्षण में ही ये घटनाएं घट रही हैं। ये घटना दो पक्षों के विवाद की घटना है, घटना दुखद है, पर इसको राजनीतिक रंग देना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस घटना को राजनीतिक
रंग देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस समाजों को बांटने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुद्दे नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं इस बुलडोजर प्रथा का बहुत बड़ा समर्थक नहीं कि घर गिरा देना, लेकिन जिस जहां पर सामूहिक रूप से दलितों के खिलाफ अन्याय हो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को अमल में लानी चाहिए। जैसा मैंने मध्य प्रदेश के पीड़ित परिवार से उस बच्ची से बात की, अभी उनकी माँ से, उनके भाइयों से बात की, और उन्होंने जिस तरह से मुझे घटना बताई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपराधी इन्वॉल्व थे, उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। जिस तरह से घटना हुई है उसमें, उस पूरी घटना में ऐसा लगता है कि पुलिस की जानकारी में होगी पूरी घटना हुई है। जिस तरह से पीड़िता के छोटे भाई को एक दिन पहले पुलिस के जरिए पुलिस से अरेस्ट करा दिया जाता है और वो बड़े पैमाने पे आते, 3 साल पुरानी घटना, आप इसको यहाँ भी जुडिशियल का फेलियर भी देखिए कि 3 साल से, 3 साल की जो घटना, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ 20 दिन में 30 दिन में अपराधियों को सजा होने लगी, 3 साल हो गए घटना को, वो दबाव बना रहे हैं कि इसमें आप फैसला कीजिए, राजीनामा कीजिए। वो जो बड़ी संख्या में उनके घर पे जाते हैं वो राजीनामा के लिए उनकी माँ हाँ भी कर देती है, लेकिन उन रास्ते में आते उनका भाई मिल जाता है, उसको वो पीटते हैं, वो बेहोश जाता है, उसको पीटते हैं, उनकी माँ बचाने जाती है। और ये शर्मनाक है, सिर्फ दलितों की नहीं महिलाओं को के तौर पर शर्मनाक है कि उसकी महिला, उसकी माँ को निवस्त्र करके पीटा जाता है, उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके मुंह पे चोट लगी हुई है, उनको और ऐसी जगह पे कई जगह चोट लगी जो मैं आपसे कह भी नहीं सकता हूं। और फिर वो आरोपी, सारे आरोपी वापिस जाके पीड़िता के घर को गिरा देते हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि इतना समय उनको के पास था और उनको पता था पुलिस पुलिस कुछ आने वाली नहीं है, तो पुलिस की मिली भगत से और सत्ता के संरक्षण से इन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एक डर पैदा किया जा रहा है, ये एक डर पैदा किया जा रहा है कि हम आपकी बच्चों के साथ अन्याय करेंगे, छेड़खानी करेंगे, रेप हत्या करेंगे, और अगर आप हमारे खिलाफ कोर्ट में जाओगे, जैसे आजादी से पहले होता था जब तक भारतीय संविधान नहीं था, तो आप हमारे खिलाफ अगर कुछ करोगे तो इसका इसका भी इसकी भी सजा हम आपको देंगे। तो ये संविधान के जरिए चलने वाले मध्य प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद को कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं यहाँ लाडली बहन योजना चला रहा हूं, आज इन बहनों की, जिसने अपना भाई खो दिया, अगर पुलिस ने लापरवाही ना बरती होती तो वो बच्चा जिंदा होता, और उनकी माँ को जो पीटा गया, कहाँ है मुख्यमंत्री, क्यों नहीं परिवार से मिलने गए अभी तक, क्यों उनको जो है दलितों का दुख नहीं दिखाई दिया, चुनाव के समय उनके यहाँ खाना खाने जाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, पैर धोते हैं प्राइम मिनिस्टर भी, आज तो एक शब्द नहीं निकल रहा है। कहाँ है हमारा जो है महिला आयोग, कहाँ है, क्यों वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्यों हमारी इतनी बड़ी बड़ी नेता है सरकार में, क्यों नहीं एक शब्द भी बोल पा रहे हैं, क्या दलितों की बच्चियां बच्चियां नहीं है, क्या शोषितों की बच्चियां बच्चियां नहीं है, क्या पिछड़ों की बच्चियां बच्चियां नहीं है, क्या उनका सम्मान सम्मान नहीं है।